जो फोन था वो गिर गया था। ये है मेरा जिम, ये क्रॉसफिट का है सामान सारा। तो हो सका तो मैं डेली वीडियो डालूंगी। ग्रुप है वो है 4:30 बजे का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे मैंने ना एक वीडियो बनाया था जब हमने जिम बनाया है हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों ने जिम बनाया है अभी एक मतलब फतेह हिसार के पास एक सिटी है वहाँ पे, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, काफ़ी वीडियो बनाई थी उसकी। बट वो क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन था वो गिर गया था, तो उस वजह से सारा उसका जो डाटा था वो मतलब चला गया और रिकवर नहीं हुआ, इसलिए मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट अब ओपनिंग इसकी हो गई है हमारे जिम की, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जिम, कि मेरे जिम में क्या क्या हम लोगों ने रखा है और क्या क्या हमारे जिम के अंदर हम करवाते हैं। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल बताती हूँ, जो हमने जिम ओपन किया है वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स का है, बॉयज़ का नहीं है। तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रेंथ नहीं रखी, सिर्फ हमने कार्डियो, क्रॉसफिट और बाकी फंक्शनल वर्कआउट जितना भी होता है वो चीज़ें रखी हैं। और इसमें सिर्फ और जो टाइमिंग है हमारे जिम की वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक है। और बाकी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मेरा जिम। ये तो मेरा ऑफिस है, ये आप देख रहे हैं पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मेरा ऑफिस, ठीक है, हम लोगों ने बनाया है। और ये है मेरा जिम, लाइट मैंने ऑफ की है अभी। ये हमने साइकिल रखी है, दो ट्रेडमिल रखी हैं हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं रखा मैं आपको बताऊं। ज़्यादा हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे जो भी रखना है। ये सब चीज़ें हमने क्रॉसफिट की रखी हैं यहाँ पर, ये क्रॉसफिट का है सामान सारा। और बाकी फंक्शनल वर्कआउट काफ़ी हो जाते हैं। और ये मैं रही, अभी तो फ़िलहाल मैं भी मोटी सी हो गई हूँ, पर मैं पहले भी मोटी थी ऐसी बात नहीं है तो ये रहा, ये सीढ़ियाँ हैं जो मेरे घर को जाती हैं। इधर से ये बाहर की लोकेशन है, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ मेरठ के अंदर से, ज़्यादा बाहर जाने की नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी जो मतलब बैच आएगा मॉर्निंग का, अभी मैं उसमें वर्कआउट वगैरह कराऊंगी। और अभी डेली की अगर हो सका तो मैं डेली वीडियो डालूंगी, डेली की चाहे छोटी छोटी वीडियो डालूँ पर डालूंगी ज़रूर। और डेली वर्कआउट हम क्या कराते हैं, कितने हमारे पास क्लाइंट हैं। तो अभी ओपनिंग हुई है इसकी, तो अभी अच्छे क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं अभी। और बाकी आपको मैं ग्रुप में दिखाई दूंगी वीडियो में कि क्या क्या हम कराते हैं। और मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो भी डाली नहीं है, और क्योंकि एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो अपलोड करने का। और जो मैंने जब हमारा जिम बन रहा था, तैयार हो रहा था, तब मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बताया था मैंने वो कोई डाटे के कारण वो चली गई, सारा फ़ोन टूटा था तो उस कारण वो रिकवर नहीं हो पाई, तो वो सारी मेरी वीडियो चली गई। शायद हो सकता तो दो चार वीडियो डाल देती, मैं कम ही डालती हूँ। और बाकी रही मेरी जाने की बात आउट ऑफ स्टेशन या कहीं भी, तो वो अभी मैं थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मैं रह रही हूँ ये मेरी छोटी सिस्टर है, ओके, सबसे छोटे वाली, तो ये उसके लिए सेटअप किया है हमने जिम का, और उसका सेटअप कराने के लिए मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। और अभी वहाँ यहीं थोड़ा सा और टाइम रुकूँगी मैं, हो सकता है 1 मंथ या 2 मंथ, इसके बाद फिर अपने घर चली जाऊंगी। वैसे तो मैं वीकली वीक में 2 बार 1 बार घर चली जाती हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है, जैसा टाइम होता है मैं वैसे निकल जाती हूँ। बाकी मैं यहीं इनके घर पे ही रह रही हूँ, और इनके घर की वीडियो मैं आपको डेली अपलोड करूँगी। और आज से थोड़ा सा मैं भी सोच रही हूँ कि वर्कआउट थोड़ा शुरू किया जाए, तो रूटीन वाइज मैं आपको सब दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। ये भी है मेरी जिम के मेंबर, अभी तो इसमें यहाँ ये भी मतलब ट्रेडमिल वगैरह साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं अभी ये लोग। और इसके बाद अभी यहाँ पे अभी एरोबिक्स क्लास स्टार्ट होगी थोड़ी देर के बाद, अभी तो सिर्फ ये कार्डियो वार्डियो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी और भी हैं जी क्लास, जो डांस क्लास है वो अभी लग चुकी है मतलब, तो अभी एरोबिक्स होएगी, फिर मैं आपको फिर से दिखाऊँगी एरोबिक्स की क्लास।
गाइस अभी वर्कआउट स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी एरोबिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी हम लोग करा रहे हैं और प्लस में वर्कआउट भी चल रहा है। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको जिम का, जिम में वर्कआउट वगैरह कैसे हम लोग कराते हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं करा रही, अभी स्टार्ट है तो अभी थोड़ा फ्रेश है सब लोग, मतलब फ्रेशर हैं सारे, तो अभी धीरे धीरे इन लोगों का स्टार्ट होगा। तो एक भी छोटी सी गुड़िया आई है जिसका नाम है सरीना, हम उसको प्यार से बुलाते हैं हसीना। तो क्या है, वो जो लड़की और वो भी डांस क्लास होती है हमारे पास। अभी जो ग्रुप हैं वो हैं चार, मतलब एक मॉर्निंग का ग्रुप है, 5:30 का ग्रुप है मॉर्निंग का, और उसके बाद हमने ग्रुप रखा है 12 बजे का, और उसके बाद जो ग्रुप है वो है 4 बजे का, और उसके बाद जो ग्रुप है वो है 4 बजे का, फिर 5:15 का, फिर उसके बाद है 7:15 का। तो ये हमने 5 ग्रुप रखे हैं टोटल, 5 ग्रुप हो गए। तो ये 5 रखे हैं, मतलब जिम फुल डे हम ओपन नहीं रखते, सुबह जैसे मॉर्निंग में 5:30 ओपन करते हैं, उसके बाद 9:00 क्लोज कर देते हैं, फिर उसके बाद 12:00 फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर 2:30 पे ऑफ कर देते हैं, उसके बाद 4:00 फिर स्टार्ट कर देते हैं, फिर 9:00 तक चलता है। अभी चल रहा है ये वाला रूटीन हमारा, और आगे क्या रूटीन होगा मुझे अभी पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल यही है। और अभी जो क्लाइंट्स वगैरह हमारे पास आ रहे हैं वो अभी तक तो अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है हमारे पास, रुको मेरे नाक में खारिश होने लगी। तो अभी जो क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं अभी तो अच्छे आ रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी अच्छी आ रही है, मतलब सिटी के हिसाब से स्ट्रेंथ ओके है। जब मैं जिम ओपन हो रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, बट अभी लेडीज़ काफ़ी आ रही हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ तो अभी अच्छी है। अभी आगे सर्दी आ रही है, बढ़ रही है, देखते हैं सर्दी में क्या बनता है, कितने क्लाइंट रहते हैं कितने नहीं रहते। खुद का वर्कआउट तो बंद पड़ा है, अभी खुद भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4-5 मंथ से हो गया वर्कआउट खुद भी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ उसको बनाने में लगे हुए थे, सेटअप करने में लगे हुए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एरोबिक्स क्लास, और उसके बाद वर्कआउट, और उसके बाद वो एक डांस क्लास है गुड़िया की छोटी सी की, उसकी भी मैं आपको क्लास दिखाऊंगी। बाकी करते हैं बाद में बात, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें।